हाय एवरीवन, वेलकम टू 1904 म्यूजिक परस्यूट। और आज जो सॉन्ग सीख रहे हैं हम लोग वो है अपना मुझे तू लगा, संग बाय सोनू निगम फ्रॉम द मूवी 1920 एवल टूटल्स। तो सुनते हैं पहले थोड़ा सा इसको और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये स्टार्ट हो रहा है, एक तीन नोट प्ले करना है आपको। फर्स्ट है सेकंड स्ट्रिंग में सेवेंथ फ्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ फ्रेट, ठीक है, केपो के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं। सेकंड स्ट्रिंग में सेवेंथ फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग में एट्थ फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंथ फ्रेट, ये तीन नोट प्ले कर रहे हैं बस, ठीक है, और फिर रिदम में चलना है। सो ठीक है, ये तीन नोट पे की और फिर आगे। अब इसके बाद इंट्रो म्यूजिक की कॉर्ड्स आएंगी जो कि है ई माइनर, देन है ए माइनर, देन है सी मेजर और फिर है अपना बी माइनर, ठीक है। रिदम हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे इंट्रो म्यूजिक के लिए ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, ई माइनर होल्ड करके मैं एक बार डेमो दे रहा हूं, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन डाउन इंट्रो म्यूजिक के, तो कैसे आएगा देखते हैं। ई माइनर डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ए माइनर, सी मेजर, बी माइनर, रिपीट, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम तो आप वैसे प्ले करोगे रिदम, ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, और सेकंड टाइम जब प्ले करोगे तो एक हमिंग सी आएगी, फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग पार्ट वन पे। सो पार्ट वन आएगा फिर जहां पर है अनजाने हो तुम जो, बेगाने हो तुम जो वाले लिरिक्स हैं, तो उसकी पहले रिदम देख लेते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है, तो कैसी है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। अगर आप इस रिदम पे न्यू हो तो पहले इसको खूब कॉर्ड में प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड्स हैं ई माइनर और फिर ई माइनर स्प्लिट हो रही है डी पे, फिर ए माइनर बी माइनर स्प्लिट हो रही है ई माइनर के साथ। रिदम पे कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले अगर नए हो आप तो ई माइनर पे फर्स्ट ई माइनर, जहां वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वहां पर रिदम स्प्लिट हो जाएगी, कैसे डाउन डाउन ई माइनर पे और बाकी सारा डी पे, ठीक है, ई माइनर और डी पे स्प्लिट, फिर ए माइनर, फिर बी माइनर पे, फिर ई माइनर पे, बी माइनर और ई माइनर पे फिर से स्प्लिट हो गया, डाउन 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 डाउन। फ्लो में देखते एक बार सिर्फ रिदम विदाउट वोकल्स, ई माइनर, ई माइनर स्प्लिट, बी, ए माइनर फुल, बी माइनर स्प्लिट, ठीक है। अब इसको एक बार वोकल्स के साथ ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन है पार्ट वन का वो भी इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो देखते हैं वोकल्स के साथ। फर्स्ट आपको तुरंत वोकल्स अगर मतलब रिदम अगर कंट्रोल में नहीं आ रहे तो पहले कुछ दिन सिर्फ रिदम को प्रैक्टिस करो, देन ओनली गो फॉर दी वोकल्स, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ बट आपको तभी जाना है जब आप रिदम पे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो अनजाने हो तुम जो, बेगाने हो तुम जो, पहचाने रखते हो तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जलते हो तुम, ठीक
ठीक है, ये पार्ट वन का पहले की पहला पैराग्राफ है, फिर सेकंड पैराग्राफ सेम इस तरीके से। जब तुझको पाता है तो मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूंगी या तुझसे जानूंगी, क्या क्या है तुझ में मेरा जानूंगा। फिर मैं पे नेक्स्ट उसमें जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऊपर पूरा देख लेते हैं। अनजाने हो तुमसे फिर ये जब तुझको पाता वाला सेक्शन। सो अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो तुम, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तुम मुझ में जानते हो क्यों, जब तुझको पाता है जो मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं क्या तुझसे जानूं, क्या क्या है तुम में आगे का सेक्शन नेक्स्ट है। अब ये भी पार्ट वन का नेक्स्ट पैरा है, जानू ना मैं, और इसमें भी रिदम सेम रहेगी, ठीक है। सो इट गोस, जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी इतना मुझे दूर रखा। सो एक जगह देख रहे हो आप सी प्लस डी एक्सक्लेमेटरी दिखाया, मतलब वो भी स्प्लिट हो रही है, तो ये कैसे स्प्लिट हो रही है, बाकी जगह तो पता चल गया कि अच्छा दो डाउन आ रहे हैं और बाकी सारा नेक्स्ट कॉर्ड में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी प्लस डी मतलब सी पे एक डाउन स्ट्रोक, डी पे एक डाउन स्ट्रोक, ठीक है, जो हाफ कॉर्ड के दो डाउन स्ट्रोक हैं वो एक एक करके एक सी पे आएगा, एक डी पे, ठीक है। तो डाउन डाउन और फिर ई माइनर पे पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सी प्लस डी दिया, एक एक मतलब एक एक स्ट्रोक आएगा बस सी सी और डी पे, तो सी डी ई माइनर पे, ठीक है। सिंपली खाली बस इंस्टेड ऑफ दो स्ट्रोक एक कॉर्ड में आने के स्प्लिट में एक ही कॉर्ड एक ही डाउन स्ट्रोक आएगा सी पे, एक डाउन स्ट्रोक आएगा डी पे, ये हो गया एक हाफ हो गया और बाकी हाफ है ई माइनर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, देखते हैं एक बार फिर से। जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है बाद बीच के म्यूजिक का सेक्शन है, वहां भी वही कॉर्ड्स हैं इंट्रो की तरह, ई माइनर ए माइनर सी बी माइनर, ई माइनर ए माइनर सी बी माइनर, और रिदम अपनी हम सेम ही रखी हमने, ठीक है। एक बार वो भी प्ले कर देता हूं। इसके बाद जाएंगे पार्ट टू को शुरू करेंगे, ठीक है, पार्ट टू को शुरू करते हैं। सो पार्ट टू शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से, रिदम से तुरंत मूव करेंगे इस पे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रोक आएगा और फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग ये प्ले करेंगे, फ्लो ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है। डाउन वन टू, पहले डाउन स्ट्रोक दिया ई माइनर पे सारी स्ट्रिंग पे, और फिर नीचे की स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर सेकंड स्ट्रिंग को प्ले किया सिंपल, तो फ्लो रहेगा। So, अब यहाँ पर पार्ट टू में रिदम थोड़ी सी अलग है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। तो अगर ये रिदम आपके लिए नहीं है तो इसको, अगर नई नहीं है मतलब न्यू है अगर, तो इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट कॉर्ड्स पर प्रैक्टिस करना है, देन फिर वोकल्स ऐड करना है तभी, नहीं तो फिर थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है सिंक करने में वोकल्स और कॉर्ड्स को। और यहाँ मैंने आगे ई माइनर लिखी है, डी के बाद जो ई माइनर कॉर्ड है, एक्चुअली हम नॉर्मल ई माइनर भी प्ले कर सकते हैं, बट एक साउंड थोड़ी अच्छी सी आ रही है वो है ये, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो फिंगर हमें प्रेस करनी है, बार कॉर्ड नहीं है ये, तो इंडेक्स फिंगर हमें प्रेस करनी है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में यहाँ पर, और थर्ड फिंगर प्रेस करनी है हमें अपना फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट में, ठीक है। इंडेक्स फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, रिंग फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, ये साउंड थोड़ी अच्छी सी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी क्लोज आ रही है जो एक्चुअल साउंड में बज रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो यही मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस कॉर्ड का नाम मुझे समझ में नहीं आया क्या बनेगा, फिलहाल मैंने इसको ई माइनर लिखा हुआ है, तो ई माइनर की जगह हम लोग ये प्ले करेंगे, ठीक है, क्योंकि ई माइनर का कुछ एक्सटेंशन टाइप ही हो सकता है,
कॉर्ड का नाम मुझे नहीं पता, सो देखते हैं। तो डी से जाना है हमें इस कॉर्ड पे, इसको फिलहाल हम ई माइनर ही कहते हैं। डी ई माइनर डी सी देन डी ई माइनर डी और सी रिदम के साथ देखते हैं। ये कॉर्ड अगर ये शेप मेरे ख्याल से कंप्लीट किया होगा तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? ऐसे डाउन स्ट्रोक में प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर ऐसी रिदम पे प्रैक्टिस करते हैं कि ये इस पैरा में, और जो इसके बाद वाला जो पार्ट जो भी होगा आगे का जिसमें सेम मेलोडी है वहां पर भी ई माइनर की जगह ये कॉर्ड भी जरूर मैं बता दूंगा। तो पार्ट को देखते हैं स्टार्टिंग से। तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, जिंदगी में खुशी तेरे आने से है। रिदम अपनी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर फिर से वापस स्टार्टिंग वाली रिदम आ जाएगी। सो इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ बस एक कॉर्ड नीचे नहीं आ रही है, B7, उसको मैं पहले ही बता देता हूँ अगर नहीं उसको कम यूज किया है तो। B7 कॉर्ड के लिए सेकेंड फिंगर हमें रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, इंडेक्स फिंगर रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, रिंग फिंगर रखनी है थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट और फोर्थ फिंगर रखनी है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है? तो एक बार फिर से बोलता हूं, सेकेंड फिंगर रखिए फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, इंडेक्स फिंगर रखिए फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, रिंग फिंगर रखिए थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट और पिंकी फिंगर रखिए फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। तो ये अपनी B7 कॉर्ड है। ये भी नई कॉर्ड है तो उसको भी वही प्रैक्टिस करना है खूब सारा और तब जाके फिर रिदम और वोकल्स पे आना। जब भी कोई नई कॉर्ड आती है तो ऐसे प्रैक्टिस करो पहले इस तरीके से, अलग अलग मतलब डाउन स्ट्रोक दिया फिंगर्स लिफ्ट की, डाउन स्ट्रोक दिया फिंगर्स लिफ्ट की और फिर अब एक बार थोड़ा होल्ड आ गया तो डिफरेंट कॉर्ड्स में डाउन स्ट्रोक पे चेंज करके देगा कोई भी रैंडम कॉर्ड्स रैंडम या फिर जिस पर्टिकुलर सॉन्ग आप सीख रहे हो उसकी कॉर्ड्स पे शिफ्ट करके देगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको, मैंने बता दिया कैसे आपको करना है अगर कोई इशू आ रहा है किसी भी कॉर्ड में तो। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है वरना जीने में गम हर बहाने से है, रंग है रंग पाक है तुम मेरे आते हैं दिल तुझे जलता है इस जमाने से। लास्ट के पीछे में पढ़ना हमने 5 डाउन स्ट्रोक दिए, ठीक है? रिदम यहाँ पर चेंज हो गई थी पहले बता दिया था, 5 डाउन स्ट्रोक यानी कि 1 2 3 4 5 B7 होल्ड करेंगे, ठीक है? फिर से वही वाला सेक्शन आ गया, जानू नाम है तो तुझमें मेरा हिस्सा है क्या, ठीक है? उसको भी देख लेते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे पहले प्ले किया था, रिदम सेम है। शुरू से आ जाते हैं। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, म्यूजिक वाला सेक्शन है उसमें कॉर्ड्स हैं ई माइनर ए मेजर सी मेजर एंड देन बी माइनर, ठीक है? ये 2 बार प्ले करनी है और रिदम अपनी वही जो लिखी हुई आप देख लोगे। सो कैसे है, ई माइनर ए मेजर Thank you.
पार्ट थ्री शुरू होगा, यानी कि बी माइनर पे प्ले किया, दो बार ई माइनर पे प्ले करना है और वहीं से पार्ट थ्री अपना शुरू हो जा रहा है। स्क्रीन पे आप देखते रहो, तो कुछ नहीं, दो बार ई माइनर पे डाउन वन टू डाउन वन टू डाउन स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग डाउन स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग। और फिर यहां पर पहले डाउन स्ट्रोक प्ले किए जाएंगे, आंखों आंखों से कहीं कहीं पे ई माइनर की जगह ये वाला जो ई माइनर का जो एक्सटेंशन हमने पिछले सेशन में प्ले किया था, ठीक है। सो आंखों ने आंखों से कही दास्तां तुमको बना के राजदां। और फिर इसके बाद रिदम शुरू हो जाएगी, जहां पर अंडरलाइन है वहां पर डाउन स्ट्रोक है, फिर उसके बाद राजदां के बाद फिर से रिदम, और जो कि है वही डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर ये पार्ट थ्री की तरफ जाएगा, मतलब पार्ट थ्री में तो है अगले पैरा पे जाएगा। सो देख लेते हैं एक बार पार्ट थ्री की स्टार्टिंग से आते हैं। आंखों ने आंखों से कही दास्तां तुमको बना के राजदां, जन्नत आ रही खुशनुमा। और फिर यहां पर रिदम चेंज होगी, जिसमें से जिसमें का से कॉर्ड्स आपने मतलब वही पहले वाली कॉर्ड्स है, जिस्म से जिस्म का जीवन धार हुआ हो गए हम सनम तक आशना, एक जरा जो चले तो कदम साथ में मिल गया हमें जिंदगी का। ठीक है, उसी तरीके से फाइव स्ट्रोक अपना बी सेवन पे और फिर से जानू ना मैं आ जाए, फिर से देखते हैं एक बार, जिस्म से जिस्म का तारुफ हुआ सनम तक आशना, एक जरा जो चले तो कहीं साथ में गंगा हमें फिर। सो पार्ट फोर वैसे ही आ जाएगा अपना पार्ट वन की तरह, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, अनजाने हो तुम दीवाने हो तुम जो पहचाने रहते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जो सोए सोए हो तुम मुझ में ढूंढते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में हूँ क्या तुझसे जाऊँ, क्या क्या है रखनी करना चाहो कर सकते हो। तो लास्ट में हो जाएगा परज नदी अपना मुझे तू लगा। फिर लास्ट में ई माइनर के बाद ई माइनर एक्सटेंशन, जो भी हमने जो
ये वाली कॉर्ड शेप प्ले किया था, उसको सिंगल डाउन स्ट्रोक करके एंड कर देंगे, ठीक है? जानूं ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो आज का लेसन हो गया डन। आपको समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो चैनल को कर देना लाइक और वीडियो कर देना सब्सक्राइब, मतलब चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और फिर बस प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय, एंजॉय योर लाइफ, बाय।